इलीगल फॉरनर्स या रोंगियास की बात करें तो उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, हाल ही में जिस तरह से आपको ज्ञात होगा 2017 में एक PIL दाखिल की गई थी और उसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था, हमारे गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि उनका डाटा जो है वो सर्च किया जाए और देखा जाए कि रोंगियास या फिर इलीगल फॉरनर्स जो है वो कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। इस वक्त MAM स्टेडियम में इनकी स्क्रीनिंग चल रही है और आप देख सकते हैं किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जी हाँ, रोंगियास की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जो है वो बसे हुए हैं। उनके पास कई डॉक्यूमेंट्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन जिस तरह से अब सरकार संजीदा है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, स्क्रीनिंग की जा रही है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि रोंगियास को जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। किस प्लेस पे शिफ्ट किया जाता है इस पर अभी फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और आने जाने वालों पर पूर्ण रूप से जो है नज़र रखी जा रही है। इस वक्त MAM स्टेडियम में उनकी स्क्रीनिंग चल रही है और किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जी हाँ, रोंगियास की बात करें या फिर इलीगल फॉरनर्स की बात करें, वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में कई हिस्सों में जो है वो बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है वो खतरे का संकेत है। कोई भी इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में अगर दाखिल होता है वो उस कंट्री के लिए जो है वो खतरा होता है। और पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि रोंगियास जो हैं यहाँ पर बसे हुए हैं और इनको निकालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारा नाम अब्दुल हना। अब्दुल जी कहाँ से आए हुए हैं? हम पहले तो हम म्यांमार का है लेकिन इधर ही निरवाल में रहता हूँ। तो आज क्या MAM स्टेडियम में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो हमको कोरोना का टेस्ट करवाया, बाकी ऐसे फिंगर लिया, बस कहाँ का है, क्या है, वर्मा माँ कहाँ का है और यहीं पर कहाँ रहता है, बस ये इतना ही। आप कितने साल हो गए यहाँ पर बसे हुए? हम 5 साल हो रहा। किस तरह से आए थे आप? हम तो ऐसे ट्रेन से आया। जम्मू कश्मीर कैसे पहुँचे आप? हम ऐसे खरिया देख के पहुँच गए सर। किस लिए बुलाया, क्या करना है, क्या आगे जाके क्या होगा उसका पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 2012 से यहाँ हैं। क्या कहाँ से आए हैं आप? हम बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश से आए हैं। असल में बर्मा का है। जब वहाँ पर जिनोसाइड हुआ तो हम वहाँ से निकल गए। अच्छा, के बाद आप बांग्लादेश आए। तो यहाँ भारत में, यहाँ इंडिया जम्मू कैसे पहुँचे? भारत में जो बॉर्डर है वो कैसे क्रॉस किया आपने? ऐसे खुद आए हैं, पहुँच के आए हैं। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपके पास? सारे हैं। कौन कौन से? ये UN का कार्ड है ना। हम ये इससे चलते हैं यहाँ पर। UNHRC का, दीपक जी ठीक है, ये UNHRC का कार्ड आप इनका देख सकते हैं कि जो कार्ड हुआ क्या अंदर फॉर्म भरा सारे फैमिली का और कोरोना के टेस्ट हुआ, उसके बाद छोड़ दिया। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 5 साल। 5 साल से कैसे आए थे आप? उधर मरमरे हो गए ना हमारे देश में, इसलिए इधर आया था मैं। तो आप जम्मू कश्मीर में ही क्यों आए? इधर हमारे आत्मीय स्वजन है इसलिए मैं इधर आया था। अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स कोई है यहाँ का? नहीं नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? नहीं। तो आप जब जम्मू पहुँचे किसी ने आपको रोका नहीं? कार्ड भी है लेकिन इनिशियल का कार्ड, ये भी। तो अभी आप अपने देश जाना चाहते हो? हैं, चाहिए। जाएगी नहीं जाएगा? मैंने बताया सब लोग जाएगी तो मैं जाऊंगी, ऐसे बताओ। अभी हमने कुछ रोंगिया से बात की, उन्होंने बताया कि अंदर उनके टेस्ट चल रहे हैं, कोविड के टेस्ट चल रहे हैं और पुलिस ने उनकी जांच करनी शुरू कर दी है और पुलिस जिस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है, उनकी डिटेल्स को खंगाल रही है, तो आने वाले समय में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर स्क्रीनिंग का, आने वाले समय में जो है ये लोग जो हैं पुनः इन्हें यहाँ से डिप्यूट कर दिया जाएगा अपने देश के लिए या फिर किसी और सेफ प्लेस के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा के साथ रितेश गुप्ता, एक्सेलशन न्यूज़ के लिए।